नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। नैनीताल ट्रिप हमारा कंप्लीट होने के बाद हम आ गए हैं मथुरा वृंदावन होते हुए श्री राधा रानी सरकार के दरबार में बरसाना। आज हम श्री राधा रानी सरकार के दर्शन करेंगे बरसाने में। गोवर्धन परिक्रमा जहाँ से प्रारंभ होती दान घाटी, वहाँ से श्री धाम बरसाना 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ आने के लिए आपको बस टैक्सी सारे साधन मिल जाएंगे उपलब्ध। लगभग 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस रहता है, उसके बाद 250 सीढ़ियाँ चढ़कर बरसाना धाम पहुँचते हैं। भाई पुराने समय जैसे इसला ग्रामीण माहौल है पूरा यहाँ पर, काफी सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है मानो बिल्डिंगों के अलावा कुछ बदला ही ना हो। चढ़ाई प्रारंभ होती है सीढ़ियों की, राधा रानी जी का मंदिर बरसाना। हम पहुंच चुके हैं, लगभग 250 सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़कर यहाँ पहुंचना पड़ता है। काफी सुंदर दृश्य है। ये पूरा बरसाना शहर, छोटा शहर है, टाउन कह सकते हैं। ये सामने श्री जी का महल है, लाडली ब्रजरानी महारानी जी का मंदिर। काफी भीड़ रहती है 12 महीने ही श्री जी दर्शन है तो। पट खुल गए हैं शयन शाम के दर्शन के राधा रानी लाडली जी के। Thank you.
सुंदर दर्शन हुए श्री लाडली जी सरकार के, बरसाने वाली राधा रानी सरकार के हमारे दरबार में। आपको भी हमने पूरी कोशिश करी दर्शन करवाने के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ज्यादा भीड़ अभी इतनी है नहीं, जो क्राउड यहाँ सीजन में रहता है। हम वापस हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आगे का शेड्यूल ऐसा है नहीं, वो सरप्राइज अभी नहीं होते हैं कैसा है वो आपको मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो चलते हैं बरसाने की थोड़ी सी जो गलियां हैं वो देखते हैं, उसके बाद अगली डेस्टिनेशन जो आपको पता चलेगी चली जाएगी। ये कितने का है? क्या ले रहा प्रतिभा? काफी सुंदर सुंदर बाकी भाई राधा रानी सरकार के वस्त्र और मूर्तियां हैं यहाँ पर। बमरो बमरो श्याम रंगे बमरो।